हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है तेरा भाई सिखाएगा ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से काइन मास्टर में आप नए इफ़ेक्ट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए काइन मास्टर के इंटरफेस पे। आपको लेफ्ट साइड में एक सिंबल दिख रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका काइन मास्टर स्टोर ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप क्लिप आर्ट ग्राफिक्स, फॉन्ट्स, ट्रांसमिशंस, इफ़ेक्ट्स और भी कई सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है तो एक दूसरा तरीका भी है। आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, आपको नया इफ़ेक्ट्स चाहिए हो, तो आप डायरेक्टली उधर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम एडिटिंग सेक्शन में जाते हैं। कोई भी रैंडमली हम एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। ये हमने एक बैकग्राउंड चूज़ कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, लेयर में जाना है, आपको इफ़ेक्ट्स चाहिए, इफ़ेक्ट्स में जाना है, और कोई नया इफ़ेक्ट आपको डाउनलोड करना हो तो नीचे स्क्रॉल करके आपको गेट टू मोर का ऑप्शन आता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको काइन मास्टर का स्टोर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इफ़ेक्ट समझ लीजिए पसंद आया हो, आप उस पर क्लिक कीजिए। ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इसके लिए नेट लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। इसके डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे शो होने लगेगा आपके इफ़ेक्ट्स सेक्शन में। तो दोस्तों, इस तरह से आप कई सारे एनिमेशंस, स्टिकर्स, फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इस स्टोर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ करें, और बेल आइकन को दबाना भूलिए मत।